वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पहले वाले वीडियो में मैंने दीव के दो प्लेस गंगेश्वर महादेव और नागवा बीच को कवर किया था। इस वीडियो में भी मैं दो प्लेस आइनेस कुखरी और गोगला बीच को कवर करने वाला हूँ। फाइनली हम आ चुके हैं गोगला फ्लू ब्लैक बीच पे। अभी ये ब्लू फ्लैग बीच क्या होता है उसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। दरअसल फ्लूटेक एक प्रकार का लाइसेंस है जो फाउंडेशन फॉर एडवाइट एजुकेशन संस्था द्वारा बीचिस को दिया जाता है। जो बीच एकदम साफ सुथरे होते हैं, पानी एकदम क्लीन होता है, सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है और वो सब सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जो बीच पे होनी चाहिए, उन बीच को डेनमार्क में स्थित संस्था फाउंडेशन फॉर एडवाइट एजुकेशन के तरफ से फ्लू बीच का टैग मिलता है। ऐसे फिलहाल पूरे इंडिया में टोटल 10 बीच हैं और गुजरात में दो, एक ये दीव का गोगला बीच और दूसरा द्वारका से 10 किलोमीटर की दूरी पे शिवराजपुर बीच। आप बीचेस के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी से सब्सक्राइब कर ले मेरी चैनल को और पास में पड़े बेल आइकन को भी पुश कर ले ताकि आपको मिलती रहे मेरे वीडियो के अपडेट्स, वो भी सबसे पहले। आप अगर अपनी फैमिली के साथ सिर्फ और सिर्फ खाना खाना चाहते हैं तो आप गोगला बीच पर आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ड्रिंक अलाउटेड नहीं है। आप अगर ड्रिंक के शौकीन हैं और आपको ड्रिंक करना है तो आप नागवा बीच पे जा सकते हैं। नागवा बीच के बारे में भी मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसकी लिंक भी आपको आई बटन में नज़र आ रही होगी। मेरे पीछे जो ये खूबसूरत नज़र आप देख रहे हैं वो है आइनेस कुखरी। यहाँ पर आप ऊपर पैदल भी जा सकते हैं और अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की सुविधा भी उपलब्ध है जिसके लिए आपको पर पर्सन अपनी जेब से खर्च करने पड़ेंगे 40 रुपये। आइनेस कुखरी पे जैसे ही आप ऊपर चढ़ोगे तो सबसे पहले नजर आएगा आपको ये मंदिर। तो चलो मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं। कुछ इस तरह से दिखता है ये मंदिर। ।1971 में हुए पाकिस्तान युद्ध के दौरान हमारे देश के रियल हीरो मिस्टर महेंद्रनाथ मुल्ला अपने 184 सैनिक और 18 अफसर के साथ आइनेस पे तैनात थे। बड़ी ही बहादुरी के साथ उन्होंने पाकिस्तान के 9 बंदूकों को डिस्ट्रॉय किया था। पाकिस्तान की ओर से हुए अटैक में आइनेस को भी भारी मात्रा में नुकसान हुआ था। महेंद्रनाथ जो आइनेस के कप्तान थे वो चाहते तो लाइफ जैकेट के साथ अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने आखिरी सांस तक आइनेस पे ही अपने साथियों के साथ रहने का निश्चय किया और 9 दिसंबर 1971 को वो शहीद हुए थे। उन्हीं की याद में यहाँ पर एक मेमोरियल बनाया है जिसे हम सब आइनेस कुखरी के नाम से जानते हैं। नागवा बीच से ही 5 किलोमीटर की दूरी पे है ये आइनेस कुखरी। जैसे ही आप नागवा बीच से जाओगे तो सबसे पहले आपको नजर आएगा ये फूड जोन जो ड्यू प्रशासन की ओर से ही बनाया गया है। हाल ही में खुले आइनेस कुखरी के इस फूड स्टॉल में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 10 बजे तक यहाँ बैठकर समंदर के लहरों के साथ साथ आप चाय, नाश्ता और भोजन का आनंद भी ले सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और नए हो हमारी चैनल पे तो सब्सक्राइब करें।